दोस्तों, आप लोग अगर फेसबुक यूजर हैं और आप जब भी फेसबुक को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम लिख के आ जाता है, तो गाइज आप लोग बेफिक्र रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम की फुल सॉल्यूशन बताऊंगा और बहुत ही ईजिली। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश पासवान, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी जो है फेसबुक जब भी आप लॉगिन करते हैं, जब फेसबुक में आप अपना नंबर और पासवर्ड डालते हैं, तो वहाँ दोस्तों कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है, बार बार जो है आपको एरर दिखाता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आप इजीली समझेंगे और मतलब कि आपका ये जो प्रॉब्लम है एकदम हमेशा के लिए ही दूर हो जाएगा। और फिर अगर आप नहीं देखेंगे पूरा, तो भाई बाद में आप कमेंट करोगे कि भाई नहीं हो रहा है ये वो। इसीलिए कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं जो लास्ट में भी होता है ना, तो इसीलिए गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं समय को ना ज़्यादा बर्बाद करूँगा और वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं बेसिक बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक बारी प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप्स मिस मत कीजिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पे गाइज आपको टाइप कर लेना है फेसबुक, और एक बार फेसबुक को अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपका अपडेट है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये जो प्रॉब्लम है अपडेट ना होने के वजह से भी हो जाता है, ठीक है। और दोबारा से जो है आप अपने फेसबुक में लॉगिन कीजिएगा अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के, ठीक है। इससे नहीं होता है उसके बाद क्या करना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अपने फ़ोन का जो सेटिंग होता है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका ऐप्स का, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐप्स पे आपको क्लिक कर लेना है, और उसके बाद ये सेटिंग हर फ़ोन में थोड़ा अलग अलग होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ भी ऐप्स का है, तो मैं यहाँ पे ऐप्स का पे क्लिक करूँगा। तब जा करके अभी जितने भी मेरे फ़ोन में ऐप्स है सभी ये लोड ले रहे हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे सभी ऐप्स आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च ऐप पे यहाँ पे टाइप कर लेना है फेसबुक, ठीक है। तो आप देख सकते हो फेसबुक आ गया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये सभी फ़ोन में अलग अलग एक और सेटिंग होता है, यहाँ पे नीचे में ही होता है क्लियर डाटा और क्लियर कैच का, तो ठीक है। यहाँ पे मेरे यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन है यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा, ठीक है। तो क्लियर डाटा, क्लियर कैच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियर डाटा कर लूँगा और क्लियर कैच कर लूँगा, ये दोनों पे ही आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक बार अपने फ़ोन में रिबूट कर लेना है, ठीक है। रिबूट पावर के बटन को दबाएंगे तो वहाँ से भी आ जाता है, और रीसेट भी कर सकते हैं, कोई इसमें से कोई सा भी एक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो दोनों कर लीजिए, लेकिन उसे रीसेट करेंगे तो आपके फ़ोन में जो है ना काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, उसके डाटा ख़त्म हो जाएंगे, बट रिबूट में जो है थोड़ा बहुत बचे रहेंगे, इसलिए मैं तो कहूँगा आप एक बार रिबूट ही कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, फिर से दोबारा से अपने फेसबुक पे जाना है, लॉगिन करना है एक बारी अपने पासवर्ड और नंबर डाल करके। इससे हो जाएगा, इससे तो ज़्यादातर हो ही जाता है, और इससे भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपको अब मेन और इम्पोर्टेंट जो लास्ट ट्रिक है वो मैं अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप कर लेना है ओल्ड फेसबुक, और यहाँ पे एक चीज़ और डाल लेंगे वर्जन, तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड फेसबुक वर्जन APK इतना लिख देना दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको पहली जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद गाइज इसमें क्या है ना कि जो पुराने फेसबुक है वो सभी फेसबुक आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपडेट 18 नवम्बर 2021 का आ रहा है, और इसको ऊपर जैसे करेंगे तो सारे ओल्ड वर्जन आएंगे, तो आपको कौन सा वाला निकालना है, 2014 का, ठीक है। तो इसके लिए इनको सबसे जो है ये मतलब कि पूरा स्क्रॉल कर लेना, और यहाँ पे आएंगे जहाँ से नेक्स्ट पेज आता है यहाँ पे, तो आपको ये 7 वाला जो ऑप्शन है ना मतलब लास्ट में आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक नई पेज खुल के आएगी जिसमें कि 2014 का भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ 15 का है, 2015 यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ, और फिर इसको भी आपको ऊपर एकदम ऊपर कर देना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2014 का आ गया है ना, अपडेट 30 दिसंबर 30 2014 है ना,
तो दोस्तों इन्हीं को जो है आपको अपडेट करना है, या तो इनको या ये नीचे वाले को, ये दोनों में से किसी को भी कर सकते हो डाउनलोड। यहाँ से आपको डाउनलोड करके इनको इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद फिर आपको बैक आ जाना है। पहले इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद गाइज फिर से आपको एक ये वाला भी जो अभी नई वाली जो है, मतलब जो अपडेटेड वर्जन है प्ले स्टोर पर जो है फेसबुक, उस पर आपको उसमें भी दोनों इसमें लॉगिन करना है। उसके बाद जैसे उसमें लॉगिन रहेगा ही रहेगा, इसमें भी आप लॉगिन करोगे तो जो है ना ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा बहुत ही इजीली, एरर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये जैसे कि आप करोगे ना तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है एक फ्रेंड के फ़ोन में, तो ये ट्रिक जो है बिल्कुल 100% वर्किंग है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।